इतना भगवान की शक्ति है, सब आनंद की छटा है सब, लेकिन महाभाव जो है जिसके ऊपर और ऊपर कोई जाने का कोई रास्ता नहीं, जहां जाके अंतिम स्थिति परम स्थिति वह महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी महाभाव और करुणामयी। एक बाबा वो उसमें बहुत साल पहले की बात है, अकाल पड़ गया, माधुकुड़ी मिलता नहीं था उस समय ना। उस समय तो इतना कृषि व्यवस्था इतना उन्नत मान का नहीं रहा, आज 3-4 बार फसल होता ऐसा नहीं था, बरसात के ऊपर ही निर्भरशील थे। बरसात में जो होता है अतिवृष्टि में फसल, बरसात अतिवृष्टि में फसल नष्ट हो जाता है, अनावृष्टि में नष्ट हो जाता है, तो बहुत दुखी थे। कभी प्रकृति कभी प्रसन्न हो गया तो फसल अच्छा हुई तो बड़ी बात है। पहले तो ऐसा कृषि व्यवस्था ऐसा नहीं था, गोबर के खाद से अपना खेती करते थे, अपना नांगल से अपना खेती करते थे, ट्रैक्टर फैक्टर की व्यवस्था नहीं था, तो उतना अवस्था बहुत दरिद्र था। पहले ब्रजवासी का उतना अच्छा अवस्था नहीं था। तो एक बाबा रहते थे ये भानुपुर में, भानुपुर में रहते थे तो रोटी मिलता नहीं था माधुपुरी में, अपना ही खाने को नहीं मिलता है, अपना ही गुजारा नहीं होता है, कहाँ देंगे साधु को, तो सोचे यहाँ से चले जाएंगे अन्यत्र। तो राजा ने अपना, राजा कहते हैं साधु ने अपना झोली झपटा लेकर के आप चलेंगे कहीं। एक लाली आके कहती है ये बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं लाली देख कहाँ जाऊँगा, यहाँ तो रोटी मिलता नहीं है। कौन ने कहा रोटी नहीं मिलता? नहीं तो हमारे घर गया, हमारे घर जाना, रोटी मिल जाएगा, अभी जा, अभी झोला झपटा रोज वहाँ से रोटी लेके आना, मैया को कह देंगे, मैया तेरे लिए रोटी रख देंगे, मत जा यहाँ से, मत जा, खूब रोटी मिल जाएगा, तो चिंता मत कर। जिसने छोटी सी लाली ऐसे कह रहे हैं, मेरे मन प्रसन्न हो गया, चलो मिले ना मिले देखूँ तो सही। तो झोली झपटा रख करके गए हैं, कौन घर पता लगा लिया, पता लगा के गए हैं। वो हम लोग जाते हैं जहाँ स्टैंड लेते हैं ना उधर, उसे डायना तरी गली में, थाने के गली में आगे गली जा करके डायना पे पहला घर है। हम भी पहले जब आए थे उनके घर में माधुकुरी जाते थे, तो वो बाबा झोली लेके गए उनके घर, जाके कहते मैया राधेश श्याम, बाबा क्या चाहिए? ना तुम्हारे लाली भेज दिया है, बोला है छीका में रोटी रखा हुआ है, वहाँ से रोटी देने के लिए। बोलता हमारे सब प्रसाद पा लिया, और हमारा लाली तो कोई है नहीं, हमारे तो कोई लाली है नहीं, कौन लाली ने तुमको कौन घर बता दिया बाबा, तुम कौन घर में आ गया? बोलता नहीं मैया ऐसे ही हमको बता दिया, यहाँ से जाना ऐसा जा करके ये घर, घर भी बता दिया, यही घर बता दिया, इसीलिए आए हो तो ठीक है, नहीं है तो मैया कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। ना ना बाबा रुक जा रुक जा रुक जा, कौन सीका में? तो जाके देखते हैं सीका में कटोरा में गरम गरम रोटी रखा है, भर की रोटी रखा है, कौन ने रखा है? और खाना पीना हो गया, गरम गरम रोटी कहाँ से आएगा? तो जान कहेंगे राधा रानी की इच्छा, वो सिक्का अभी भी है, अच्छा अभी भी रखा है मोहल्ले में, मोहल्ले में वो ये है, वो जो उनमें ये क्या नाम है उसको, राजेश का करके आगे बढ़ ना, वो जो बेनिया है बूढ़ी मैया भी शायद पधर गई है, हम जाते उनके घर, तो वो फिर जाके बोले बाबा तुम रोज आके रोटी ले जाना हमारे घर से, तुम कहीं नहीं जाना, तुम हमारे घर से रोटी ले जाना, ये प्रत्यक्ष है। जैसे जैसे कोरोना में किसी दिन वो छींका दिखा के लाएंगे, वो छींका अभी भी दर्शन के लिए रखा है, दर्शन के लिए ऐसे स्मृति, एक स्मृति स्मृति के लिए रखे है। तीन वस्तु है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मिल करके भगवान सच्चिदानंदमय तनु, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद, सदंश संदिनी, चिदंश संबित, और आनंदांश अल्लादिनी। सत माने संदिनी, संदिनी शक्ति है अस्तित्व, संदिनी शक्ति का प्रकाश क्या है? नहीं धाम आदि जितना परिकर आदि स्थान
जितना दृश्यमान जागतिक वस्तु, जितना पदार्थ है लीला विनोद के लिए, जो भी वस्तु चाहिए, वो संदिनी शक्ति का प्रकाश है, संदिनी शक्ति का प्रकाश है। और चित शक्ति है चेतना, अनुभव शक्ति, चित यह अनुभव शक्ति, भगवान का अनुभव शक्ति, वही तो सब जीव जगत में किंचित रूप में विराजमान है। तो जीव शरीर में तदात्मता लेकर के, शरीर को ही चैतन्यमय करके, शरीर के द्वारा प्रकृति के गुण समूह भोग रहा है। इस चित शक्ति भगवान की शक्ति, यहाँ चित शक्ति में जीव और भगवान ईश्वर है। जीव का जितना अनुभव शक्ति, भगवान का भी उतना ही अनुभव शक्ति। इसमें चित शक्ति में जीव ईश्वर एक है, अभेद है, अभिन्न है, और है आनंददायिनी शक्ति। भगवान के जो आनंद है वो आनंददायिनी शक्ति चित शक्ति, आनंददायिनी शक्ति स्वयं राधा रानी, सच्चिदानंद वही। तो राधा रानी में है पांच तत्व प्रधान, सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद, और एक है महाभावमयी, महाभाव स्वरूपिणी। जितना भगवान की शक्ति है सब आनंद की छटा है सब, लेकिन महाभाव जो है जिसके ऊपर और ऊपर कोई जाने का कोई रास्ता नहीं, जहां जाके अंतिम स्थिति, परम स्थिति, वह महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, महाभाव और करुणामयी, करुणा विगलित देह। ये राधा रानी में जितना करुणा है, इतना करुणा और कोई, अरे सभी भगवत शक्ति है, जितना देवियां हैं सब भगवत शक्ति है, लक्ष्मी आदि जो है सभी भगवत, भगवत राधा रानी की शक्ति है, राधा रानी की अंश है। लेकिन राधा रानी में जितना करुणा है, इतना करुणा और कोई भगवत स्वरूप में है नहीं। नारायण कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, ठीक है पूर्ण प्रकाश, किंतु राधा रानी में जो करुणा शक्ति की जो मूर्त प्रकाश, ऐसे इतना करुणा, इतना प्रकाश दिखने में आता नहीं है। कोई साधन भजन का अपेक्षा नहीं है, उनके शरण में आने से ही अपना लेते हैं।